हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईफाई ज्ञान चरण पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के तहत। आज हमारे मोदी सरकार ने हमारे पूरे भारत में बहुत ही बड़े बड़े और काम की खबरों को जारी किए हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में आपको इन्हीं सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के बारे में सभी जानकारी बताने वाली है। दोस्तों बता दें आपको कि आज की हमारी बड़ी खबर में हमारे भारत के सरकार ने भारत बंद करने को लेकर के बहुत यहाँ पर बड़ी एडवाइजरी को जारी किए हैं। तो आपके भारत बंद करने को लेकर के क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जानेंगे खबर विस्तार से। इसके अलावा अगर आप गूगल पर यह सर्च करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो आपके गूगल की तरफ से क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसको भी जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा आज की हमारी बड़ी खबर में हमारे मोदी सरकार ने टू व्हीलर या फोर व्हीलर के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर के बड़ी खबर जारी किया है। तो आखिरकार आपके टू व्हीलर या फोर व्हीलर के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर के जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसको भी जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा आज की हमारी बड़ी खबर में हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आपके मौसम को लेकर के बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो आपके मौसम के समाचार को लेकर भी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसको भी जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा अगर आप रेल में यात्रा करते हैं तो हमारे इंडियन रेलवे ने अपने रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर जारी किया है। दोस्तों बता दें कि अब से आपका रेल का किराया बढ़ने वाला है। तो आखिरकार आपके रेल का किराया कितने रुपए बढ़ने वाला है, इसको भी जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा आज की बड़ी खबर में जानेंगे सोने चांदी और पेट्रोल डीजल का ताजा भाव, यानी कि ऐसे करके और भी कई बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। सभी काम की खबरें और बड़ी खबर एकदम कांच की तरह क्लियरली समझाएंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी असली मेहनत का फल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। दोस्तों बता दें आपको कि हमारे सभी रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारे भारत की सरकार ने लगभग 120 स्पेशल ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। और दोस्तों ये जो आपका रेल का किराया बढ़ाया गया है, उससे सभी किसान भाइयों और जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर जो मुंबई से घर आए थे, उनके लिए काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब उनको घर से मुंबई जाने के लिए दोगुना किराया देना पड़ सकता है। तो ये कुछ हमारे इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अगर दोस्तों आप भी ज्यादा रेल में सफर करते हैं तो अब से आपको यूपी से मुंबई जाने तक जो किराया आपको 500 रुपए देना पड़ता था, अब वही किराया आपको 1000 रुपए देना पड़ सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 12 दिसंबर 2020 से बदलेगा हमारे सभी प्रदेश का मौसम। और इस खबर को लेकर के हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपको पहले से अलर्ट जारी कर दिया है। तो अगर दोस्तों आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से आते हैं तो आपको 12 दिसंबर 2020 तक अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से यह सूचना मिल चुकी है कि हमारे 12 दिसंबर 2020 से लगभग सभी प्रदेशों में हमारे मौसम काफी बिगड़ने वाला है। इसीलिए हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपको पहले यह जानकारी दे दिया है कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं तो आपको 12 दिसंबर तक अलर्ट रहने की जरूरत है, वरना आगे आप इसकी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। और हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपको पहले से अलर्ट जारी कर दिया है। तो ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं, किस शहर से आते हैं, अपने राज्य और अपने शहर की जानकारी हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगर आपके राज्य और आपके शहर की कोई भी पर्सनल मौसम की जानकारी आएगी तो मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और फिलहाल दोस्तों अगर आप भारत के किसी भी राज्य और किसी भी प्रदेश से आते हैं तो आप 12 दिसंबर 2020 तक बिल्कुल भी सावधान रहिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूपी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है और अब से आपके यूपी राज्य के किसी भी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने ये ऐलान जारी कर दिया है कि अब से आपके यूपी के कोई भी यहाँ पर टू व्हीलर या फोर व्हीलर है, उसमें आपके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब से कोई भी अगर यूपी से आकर के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएगा तो उस पर भारी से भारी जुर्माना लग सकता है। तो अगर आपके घर में भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर है तो अब से आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मत लगवाइएगा, क्योंकि हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने आपके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगर आप भी गूगल पर ये सर्च करते हैं तो आप हो जाइए सावधान, वरना आप बहुत यहाँ पर बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारे भारत के सरकार ने आपके लिए बहुत यहाँ पर बड़ी चेतावनी दी है। अगर दोस्तों आप भी गूगल का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है कि इस समय हर कोई व्यक्ति गूगल का इस्तेमाल तो करता ही है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार हमारे भारत के सरकार ने आपको गूगल पर कौन सी यहाँ पर चीजों को ना सर्च करने की सलाह दी है। तो दरअसल हमारे भारत के सरकार ने आए दिन ऐसे कई सारे यहाँ पर घटनाएं होती रहती है, तो इन्हीं सभी को देखते हुए हमारे भारत के सरकार ने आपके लिए कुछ ऐसी यहाँ पर बड़ी खबरों को जारी किया है, जिसके तहत दोस्तों अगर आप गूगल पर बम बनाने का तरीका सर्च करते हैं, इसके अलावा अगर आप मोबाइल या सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका सर्च करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप दवाइयों के बनाने का प्रोडक्ट भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं, और इसके साथ ही साथ अगर आप कस्टमर केयर का नंबर भी अपने गूगल पर सर्च करते हैं तो भी यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। ये कुछ हमारे मोदी सरकार ने आपको गूगल पर ना सर्च करने की सलाह दी।
होती है। अगर दोस्तों आप भी ज्यादा गूगल का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप गूगल पर जो जो मैंने आपको इस वीडियो में खबर बताया हूँ आप वो बिल्कुल भी सर्च मत करिएगा, वरना दोस्तों अगर आप ये चीजें सर्च करेंगे तो आप पर कार्रवाई तो की जाएगी, साथ ही साथ आपको भारी से भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये कुछ हमारे मोदी सरकार ने आपको पहले से अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2000 रुपए, केंद्र सरकार ने जारी किया नई लिस्ट। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारे पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के हमारे भारत की सरकार ने लगभग सभी करोड़ों किसानों को बहुत यहाँ पर बड़ा तोहफा दिए हैं। अगर दोस्तों आपके परिवार में कोई भी यहाँ पर गरीब किसान है तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे मोदी सरकार ने लगभग करोड़ों किसानों को 2000 रुपए की किस्त देने का फैसला कर लिया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि हमारे भारत की सरकार ने किसान कानूनों को लेकर के सरकार और किसानों के बीच भले ही बात नहीं चल पा रही है, लेकिन फिर भी हमारे भारत की सरकार ने सभी किसानों के खाते में 7वीं किस्त भेजने का फैसला कर लिया है। और दोस्तों बता दें कि ये जो आपका 7वीं किस्त आएगा वो आपके डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगा, क्योंकि हमारे भारत की सरकार ने आज 8 दिसंबर 2020 को जो हमारे सभी किसान भाई लोग आंदोलन किए थे उन सभी को देखते हुए हमारे भारत की सरकार ने लगभग सभी करोड़ों किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया है। तो ऐसे में अगर आपको अभी तक आपको पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त नहीं मिली है तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे भारत की सरकार ने आपके खाते में जल्द 7वीं किस्त भेजने का फैसला कर लिया है। और इसके लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे बैंक खाते में आपका पैसा आया है कि नहीं आया है तो आप बहुत ही आसान तरीके से PMKisan.gov.in इसी आप वेबसाइट पर जाकर के आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका इस लिस्ट में नाम रहेगा तो आपके बैंक खाते में हमारे भारत की सरकार की तरफ से पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। तो आप जल्दी जल्दी अपने लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए, आप बहुत ही आसान तरीके से PMKisan.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हमारे भारत की सरकार ने भारत बंद करने को लेकर के जारी किया नई एडवाइजरी, जाने इसके बारे में पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, दरअसल हमारे कृषि कानून के विरोध में किसानों ने 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद करने का ऐलान किया था, और इसी को देखते हुए हमारे भारत की सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गृह मंत्रालय से यह आदेश आ चुका है कि हमारे किसान भाई लोग जो यहां पर आंदोलन कर रहे हैं वो आपके आंदोलन होना चाहिए, लेकिन आपको कुछ यहां पर विशेष सतर्कता बरतने की सावधानी रखनी होगी, जैसे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, इसके साथ ही साथ आपको एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी, इसके साथ ही साथ आप किसान आंदोलन कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे भारत की सरकार ने और हमारे सभी गृह मंत्रालय से यह आदेश आ चुका है कि हमारे किसान भाई लोग जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वो आपके कृषि कानून को लेकर के आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको COVID-19 का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे भारत में जो महामारी चल रही है वो आपका खतरा अभी तक टला नहीं है। इसलिए हमारे भारत की सरकार ने सभी किसानों से यही मांग की है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ 1 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाए रखिएगा। तो देखते हैं कि आगे चल करके हमारे किसानों की मांग पूरी होती है कि नहीं पूरी होती है। फिलहाल दोस्तों अभी किसानों का आंदोलन जारी है और आगे आपका कितने दिनों तक यह आंदोलन चलता है फिलहाल दोस्तों इसकी तरफ से कोई भी खबर आती रहेगी तो मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको जाहिर करता रहूंगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जाने कितनी है आपकी नई कीमत। जी हां, दरअसल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान सभी गरीब किसानों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दरअसल दोस्तों हमारे सभी गरीब किसान लोग वैसे ही कृषि कानून को लेकर परेशान है, और इसी बीच हमारे भारत की सरकार ने आपके पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ा करके और भी परेशानी खड़ी कर दी है। तो ऐसे में बता दिए आपको कि आज हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम में लगभग आपके पेट्रोल में 30 पैसे और हमारे डीजल में 33 पैसों की बढ़ोतरी हमारे भारत की सरकार ने कर दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान सभी गरीबों को बहुत यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। और दोस्तों ये जो आपका पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है वो आपके एक राज्य में नहीं बल्कि आपके कई राज्य में हमारे भारत की सरकार ने आपके पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया है। तो ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य की जानकारी हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगर आपके राज्य की कोई भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल की नई कीमत आएगी तो सबसे पहले मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर जरूर आपको जाहिर कर दूंगा। और फिलहाल आपके राज्य और आपके शहर में इस समय कितना पेट्रोल और डीजल का दाम चल रहा है, अपने राज्य अपने शहर के पेट्रोल डीजल का रेट हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। तो बस आज का यही मुख्य समाचार, ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज यही पर फिनिश होता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज के लिए हमारी वाईफाई ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ उसके बगल में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन मिलेगा उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी आपको लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की जानकारी आपको आसानी से अपने मोबाइल पर मिल पाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।